भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में आज एक सफेद जासूस नजर आया। बता दें जासूस भी ऐसा जिसके पंख लगे हुए हैं, उस पर मोहर भी लगी हुई है और कुछ नंबर व उर्दू में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। खुफिया एजेंसियां इनकी पड़ताल में लगी हुई है। बता दें कि यह सफेद जासूस कोई इंसान नहीं बल्कि आसमान में उड़ते सफेद रंग के कबूतर हैं। जैसलमेर की तीन अलग अलग जगहों से कबूतरों को पकड़ा गया है। पुलिस ने तीनों को वन्य जीव विभाग को सौंपा है। दाने पानी की व्यवस्था भी की गई है। जैसलमेर में लगातार दो दिन से सरहद पार से सफेद कबूतरों का आना जारी था। यह कबूतर सफेद रंग के हैं, मगर इनके पंख लाल, नीले और दूसरे रंग के हैं। कबूतरों के पंख पीछे से रंगे हैं और उस पर कोई मोहर भी लगी हुई है। सफेद कबूतर पर मोहर के साथ साथ उर्दू में भी कुछ लिखा है और कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं। संभावना है कि कबूतरों को पाकिस्तान की तरफ से जासूसी के लिए उड़ाया गया है। फिलहाल तीनों कबूतरों को पुलिस और बीएसएफ ने वन्य जीव विभाग को सौंपा है। बता दें भारत पाकिस्तान सीमा के पास म्याजलार गांव में एक कबूतर पकड़ा गया जो श्री गोरख नगर में एक घर की छत पर बैठा मिला। इससे पहले भी पक्षी पकड़े जा चुके हैं।